आलिया सुमरो साहिबा, तो आएँ इनसे कुछ मौकूब लेते हैं। आलिया, आप मुझे ये बताएं कि आपको ये बॉक्सिंग का शौक़ कब से जागा? सबसे पहले तो मैं कुम न्यूज़ के बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे दावन के थ्रू वो यहाँ आए, और मैं उनको सबसे बड़ी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कुम न्यूज़ के कल मैंने न्यूज़ देखी जिसमें वो उनको उनकी न्यूज़ को 3 साल हो चुके हैं। सो मैंने देखते ही मुझे न्यूज़ देखते ही बहुत बड़ी खुशी हुई, और मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक इस न्यूज़ चैनल को बहुत ज़्यादा ही तरक्की दे ताकि वो हर एक टैलेंट को अपने चैनल में दिखाए और उनको मतलब बढ़ने का मतलब पावर दे के ताकि वो लड़कियाँ कुछ बन सकें और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकें। थैंक यू। तो ये बताएं कि कब से आपको जो है बॉक्सिंग का शौक हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं काफ़ी छोटी थी, रास्ते से मामा के साथ जा रही थी, तो वो बॉक्सिंग क्लब भी मामा के चाचू का ही था। उस टाइम मैं मामा के साथ तकरीबन भी 6-7 साल की थी, और रास्ते से जाते ही मामा को मैंने कहा कि मामा मुझे ये ज्वाइन करना है, तो मामा उस टाइम तो मुझे देख के लाफिंग करती रही, लेकिन मैंने कहा ये कोई मामूली गेम नहीं है, मामा मुझे बोलती, तो मैंने कहा नहीं मैं इजी कर लूँगी, दिस इज़ माई पैशन। तो फिर मामा पहले तो सोचती रहीं करती रहीं, और मैं ट्यूशन के थ्रू गई, वहाँ के कोच ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, मैं ट्यूशन के थ्रू जाती रही। उनको मैंने कहा कि मैं बॉक्सिंग भी सीखूंगी बट आप घर में मत बताइएगा। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, जब मैं फर्स्ट फाइट जीत कर घर पे गई, पापा को बताया कि मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ और इतना टाइम हो चुका है, तो फिर पापा ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। कि फिर मामा ने बहुत टॉन किया, नानों ने टॉन किया कि लड़की है तुम, लड़की क्या करोगी ये वो, क्योंकि अपने ही घर में ही मतलब इस तरीके का मतलब कि शेड्यूलिस्ट हो रहा था, तो मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। तो मैंने फिर उनको इतना कुछ तो नहीं कहा, मैंने कहा आप मना करते हैं तो ठीक है मैं नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ूँगी। मैं वही ट्यूशन भी पढ़ती रही, अपनी ट्रेनिंग बरकरार रखती रही। अल्लाह पाक ने ऐसा एक चांस दिया जिससे मैं कोयटा के लिए रेडी हुई थी। कोयटा की बॉक्सर जिसका नाम है मलाइका जाहिद, वो उस टाइम मुझसे 6 kg ऊपर थी। फिर मैं ट्रेनिंग करती रही, फिर कोच ने बाबा को बुलाया कि भाई तुम्हारी बेटी तो बड़े दिल लगा के करिए, और ये हमारा ख़ानदानी सिस्टम है क्योंकि मेरे पर नानो बॉक्सर थे, मैंने मामा के मुंह से ही हिस्ट्री सुनी थी, ना मेरे नानो बने, ना कज़न बने, ना मामू बने, कोई नहीं बना। तो मैंने कहा शायद मैं मेहनत करके ये हिस्ट्री दोबारा ज़िंदा कर सकूंगी ताकि कोई बोले कि हाँ भाई कारा करीम कारा बॉक्सर की नवासी भी एक अच्छी बॉक्सर है। सो इसी तरीके से मैंने अपनी बॉक्सिंग स्टार्ट की और चलती रही, और मैं आज खड़ी हूँ। तकरीबन मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बॉक्सिंग आराम से इजी खेल सकती हूँ और अपने वेट के अनबीटेड बॉक्सर भी हूँ। बट मुझे एक इस तरीके की सपोर्ट चाहिए थी जो मुझे कभी मिली नहीं, रास्ते से जाते वक्त लोगों का टॉन करना कि लड़की है घर में बैठे क्या लड़कों वाले काम कर रही है, रास्तों में जाते हुए लड़के छेड़ते देख के बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात भी थी। और यहाँ तक कि मैं कलरी ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए जा रही थी, उसी टाइम आदमियों ने मुझे कहा कि जाओ जाके नमाज़ पढ़ो, ये क्या लड़कियों वाले काम है, लड़कों वाले काम है, तुम तो लड़की हो, लड़की जाके घर में झूला जलाए। मैंने वो सारी बातें साइड पर रखते हुए अपनी ट्रेनिंग बरकरार रखी और माइंड में एक ही बात रखी कि इनकी बातों का जवाब मुझे एक मकाम हासिल करके देना है। उसके बाद जब मैं उसी ग्राउंड में चीफ गेस्ट हुई और जिन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा बातें की, टॉन किया, उनको ही मैंने साबित करके दिखाया कि देखो जिस पे बातें करते थे आज वही बंदी तुम लोग के सामने खड़ी है। सो इसी तरीके से मेरा यही कहना है कि लड़कियों को 4 दीवारी में बंद ना करें, लड़कियों को लड़कों से भी ज़्यादा पावरफुल समझें। और लोग समझते हैं लड़कियां कुछ नहीं करती, जो छोटे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं ना गरीब घराने से, उनको कोई डेवलप नहीं करता। इस मैं ये चाहती हूँ जहाँ गरीब घर में जो फंड मौजूद होता है ना, वो मतलब कि ज़्यादातर न्यू क्लब्स हैं जैसे कि बड़े बड़े क्लब्स हैं वहाँ नहीं होता। सो प्लीज़ उनको मतलब प्रमोट करने की ज़रूरत होती है। सो इसी तरीके से वैसे ही मैंने अपनी शौक़ को बरकरार रखते हुए, लोगों के टोन सुनते हुए, बातें सुनते हुए और किसी की बातें मैंने साइड पर रखते ही अपनी ट्रेनिंग बरकरार रखी। और इसी माहौल के हिसाब से जिस तरीके से लियारी को पहले बहुत काफ़ी टाइम पहले डेंजर इलाका कहला जाता था, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी बॉक्सर बनूँ। और ये मेरा पैगाम, ये पर्सनल पैगाम मैं पूरी लियारी की कॉम को देना चाहूँगी, ऑल पाकिस्तान की वर्ल्ड वुमेंस को देना चाहूँगी कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम लड़कों से ज़्यादा पावरफुल हैं, हमें सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान लियारी को हम साबित करके भी दिखा सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा मकाम हासिल हो कि जैसे कि अब घर घर से फुटबॉलर निकल रहा है,
आने वाले साल में, आने वाले ईयर में घर घर से एक बॉक्सर ज़रूर निकलेगा। सो मेरा ड्रीम है कि जैसे कि मेरे आइडियल मोहम्मद अली क्लेर हैं और इसी तरह उन्होंने 3 मोर चैम्पियनशिप की, इंशाल्लाह मैं 5 मोर चैम्पियनशिप भी करूँगी, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँगी। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जैसे कि कच्ची सुमरा बरदरी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जब तक स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आगे मुझे मीडिया ने डेवलप किया, उसके बाद रेंजर्स के डीजी उमर अहमद बुखारी साहब जिन्होंने मुझे डेवलप किया और बहुत ज़्यादा ही आगे तक पहुंचाया। जो मैं आज खड़ी हूँ इस मकाम पे तो सिर्फ उनकी वजह से खड़ी हूँ। और जो मैं ये ट्रेनिंग इतना फ़खर से जो स्पीकिंग पावर से मैं बात कर रही हूँ, ये स्पीकिंग पावर मुझे सिर्फ एक ही एक कोच ने दिया था, उस्ताद मोहम्मद यूनुस कमरानी। बचपन से लेके ही अभी एज तक मैंने उनके पास ही ट्रेनिंग की, उन्हीं के साथ पल ही बड़ी। और उसके बाद जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैं उस्ताद नवाब अली के पास आई, उन्होंने बड़ी बड़ी खिदमात है उनकी भी बॉक्सिंग में, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। और लियारी के बच्चों के बारे में एक छोटी सी पोइट्री बोलती हूँ मैं, जल जाओ कड़ी धूप में खामोशी से लेकिन, जल जाओ कड़ी धूप में खामोशी से लेकिन, गैरों से कभी साया ए दीवार न मांगो, जिस कौम के बच्चे नहीं इल्म हुनरमंद उस कौम से तारीख के मामार न मांगो। सो थैंक यू सो मच जकोम न्यूज़ का कि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। सो आगे चाहिए, और मेरा एक खुद का भी ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान लेवल पर खेलूँ। मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है और एक अच्छे फिटनेस की ज़रूरत है जो मुझे आगे लेवल कर सके, ताकि मुझे आगे मैं आराम से इंडिया को बीट कर सकूं। आज तक इंडिया हमसे क्यों आगे है, वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास ट्रेनिंग अच्छी है। और पाकिस्तान हर वक्त सिल्वर, हर वक्त ब्राउन्स, लेकिन इंशाल्लाह एक ऐसा दौर आएगा कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान रेंजर्स के लिए, लियारी वालों के लिए और सुमरो कास्ट एंड कच्ची कौम को ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं। आगे बढ़ो पाकिस्तान, तेरी अजमत के लिए मैं किसी भी रिंग में उतरने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू आलिया।